नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार ही एकमात्र ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में उसके नाम भले ही अलग हों, पर कारण एक ही है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस घटना को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सूर्य दक्षिण से अपनी गति उत्तरायण कर लेता है। हिंदू धर्म के अनुसार साल में दो ही अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण समय का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है और कहा यह जाता है कि उत्तरायण समय में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सफल रहते हैं। यानी उत्तरायण समय में पैदा होने वाले बच्चे बुद्धिमान, आज्ञाकारी, दूसरों का भला करने वाले और परोपकारी होते हैं। उत्तरायण में देवलोक गमन करने वाले लोग चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, उसको कुछ समय के लिए स्वर्ग जरूर मिल जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर राजस्थान और गुजरात में पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है और जब कोई पतंग कट जाती है तो बच्चे और युवा उस पतंग को लूटने के लिए दौड़ लगाते हैं और उस 2 रुपए की पतंग के लिए कई बार अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण। दरअसल मकर संक्रांति पर जिस प्रकार दान करना अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार पतंग लूटना विजय और भाग्य के उदय होने का प्रतीक माना जाता है। यानी जिसके हाथ में पतंग लग जाती है, अगले 6 महीनों के लिए उसका भाग्य उसका साथ जरूर देता है। और पतंग लूटना एक विजय के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। यानी जिसके हाथ में पतंग लग जाती है, वह उन सब में जो उसको लूटने का प्रयास कर रहे थे उनमें विजेता या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए युवा खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए उस 2 रुपए की पतंग के लिए जान तक की बाजी लगा देते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध उन युवाओं से है जो कि इस प्रकार से पतंग लूटने के दौरान अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं, तो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए खेलों की दुनिया में आए और ऐसा कोई कार्य नहीं करें पतंगबाजी के दौरान जिससे उनकी और दूसरों की जान को खतरा हो। तो अगर आप हमारा ये मकर संक्रांति का त्योहार सही तरीके से मनाएंगे तो ये आपको खुशियां भी लाएगा और जो प्रयास आप कर रहे हैं यानी भाग्योदय आपका जरूर होगा। धन्यवाद।